Good morning, dear children. I'm Rohini Ma'am. Welcome to the EVS class. Today, we'll know about an idle house. In the previous class, you must have read why we require a house to live. Yes, we require a house to live as it protects us from heat, rain, cold, dust, and wild animals. You know, children, early man. वस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बट वॉज हिज हाउस एन आइडियल हाउस क्या होता है आइडियल हाउस आइडियल होम होता है जहां पर हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं और रहने के लिए कंफर्टेबल होता है नाउ फीचर्स ऑफ एन आइडियल हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल वेंटिलेशन We need to have plenty of fresh air in the house where we live. इसलिए उस घर में बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए ताकि ताजी हवा घर के अंदर और स्टेल एयर जो होती है यूज एयर जो होती है वो घर के बाहर जा सके इसलिए घर के आगे पीछे खूब सारे प्लांट्स लगाइए ताकि हवा फ्रेश और साफ रहे द फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इन एंड आउट ऑफ योर हाउस इज कॉल्ड वेंटिलेशन Second important थिंग इज सनलाइट यानी सूरज की रोशनी जिससे कि हमारा घर हमेशा रोशन रहता है और घर में जितने भी जर्म्स होते हैं वो सनलाइट से मर जाते हैं इसलिए घर में खूब सारी खिड़कियां होनी चाहिए ताकि सनलाइट और फ्रेश एयर घर में आती रहे सनलाइट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी बनाना थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन आइडियल हाउस इज सैनिटेशन चिल्ड्रन क्लैनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ हाउस एन आइडियल हाउस वी शुड कीप आर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन घरों के नालियों को साफ रखें और बाथरूम और किचन के वेस्ट वाटर को डिस्पोज ऑफ सही ढंग से करें घर का जितना भी कूड़ा करकट है उसको डस्टबिन में ही डालें ड्रेनेज एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड वाटर वेस्ट फ्रॉम द किचन एंड टॉयलेट इज कॉल्ड सैनिटेशन फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज ओपन स्पेस घर के आगे पीछे और घर के अंदर काफी स्पेस होनी चाहिए मूवमेंट के लिए Too many things shouldn't be kept together and they should be dust free. So, these are four main features of an idle house. Thank you and have a nice day.